अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। हम यहाँ विशालगढ़ में आए हुए हैं और विशालगढ़ में गाजापुर, विशालगढ़ के गाजापुर जहाँ से 4 किलोमीटर दूर पर जो गांव है जिस पर हिंदुत्ववादी गुंडों की जानिब से हमला किया गया, वही मस्जिद आप देख सकते हैं पीछे है। और इसी मस्जिद पर एक गिरोह की शक्ल में आकर यहाँ पर हमला किया गया और मस्जिद की बेहरमती की गई। ना सिर्फ बेहरमती की गई बल्कि कुरान मजीद की तौहीन भी की गई। लिहाजा गाजापुर के इस मामले को लेकर पूरे मुल्क की सतह पर एक सरगर्मी देखी जा रही है, लोगों में गम गुस्सा नज़र आ रहा है और ख़ासकर मुस्लिम समाज की जानिब से 12 मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजात भी किए जा रहे हैं। क्या उन गुंडों पर क्या कार्रवाई हुई, उन्होंने किस तरह से यहाँ पर काम को अंजाम दिया गया, किस तरह से वो यहाँ आए जबकि उन्होंने पहले ही ऐलान किया हुआ था, तो फिर यहाँ पर मुकम्मल इंतजामिया और महकमा क्यों नहीं था। ये तमाम सवालात यहाँ पर हम आए हुए हैं और लोगों से उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। एक अहम बात, आज नायब वज़ीर आला यानी कि डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी जायज़ा ले रहे हैं। कई सारी गाड़ियों को वो जलाए हुए हैं, घरों को तोड़ा हुआ है। जो लोग छोटे छोटे कारोबार करके अपना गुजारा करते थे उन पर भी हमला सिर्फ इस नफरत की बुनियाद पर किया गया कि वो एक मुसलमान थे, लिहाजा मुसलमानों की जो इबादत गाह है मस्जिद उस पर हमला किया गया। आइए हम देखते हैं अंदर उन्होंने किस तरह से नुकसान किया हुआ है और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। हम गाजापुर में यहाँ पर आए हुए हैं और इसके बाद हम विशालगढ़ भी जाने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा हादसा है जिसे भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ तक कि मीनारों को तोड़ने के भी काम को अंजाम दिया गया। कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, लिहाजा एक शर्मनाक वाकया कह सकते हैं। यहाँ पर बारिश तूफानी है, हवाएं भी चल रही हैं और इसी दरमियान हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गाजापुर में यहाँ पर आए हुए हैं और गाजापुर में आकर हम यहाँ की मस्जिद का पूरा एक जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह मस्जिद के जो लवाजमात हैं, तिजोरी है, फिर स्पीकर के यहाँ पर जो कनेक्टर वगैरह हैं, उन चीज़ों को तोड़कर किस तरह से फेंका गया है उन्हीं फिरका परस्तों की जानिब से। लिहाजा दरवाज़ा चटाइयों को भी किस तरह से फेंका गया है, ये तमाम चीज़ें यहाँ देखने को मिल सकती हैं।
विशालगढ़ के खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं। जिस दिन हिंदुत्ववादी तंजीम के अफरादों ने जिस दरिंदगी का इजहार किया था वो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। आप बताइए क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त सर मैं मतलब घर से बाहर आई, मेरे को तोड़ा फोड़ी की आवाज़ आ रही थी, इसके से मैं भागते भागते बाहर आई और देखी तो वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, वापिस ये फेंक रहे थे अपने हम सबके बॉटल थे, उनके पास ट्रे थे, चार लोग थे जिसके पास दो दो जन ने ऐसा पकड़ के रखे थे, वो लेके आए और जो मुसलमान का घर दिखता था उसको मारते थे वो, और हमारे घर के सामने एक हिंदू का घर है, वो डायरेक्टली बोले कि हिंदू के घर पे अपने को वार नहीं करने का है, मुस्लिम के घर है उसको देखने का और मारने का, उनके घर के लोगों को। वो बोले अभी ऊपर जाने का है, ऊपर जाने के बाद दरगाह और मस्जिद को टारगेट करने का, उसके बाद मुसलमान को लोगों को बाहर लेने का और मारने का बोल के। हम लोग वो कम तक 30 थे, 30 तो थे, 30 के 40 करीब थे वो। जी जी, उन्होंने कहाँ कहाँ पर हमला किया? हमारे घर के सामने मतलब नीचे से स्टार्ट किया, घर पर दरगाह पर किया, घरों पर किया, दरगाह मस्जिद पर कब्रें तोड़ी, और जो दगड़बाजी ये अपना पत्थरबाजी जो कर रहे थे ना वो इतनी दरिंदगी से कर रहे थे कि सामने वाले की जान जाए तो भी भाई, और तलवार भी थे तो उसमें से कुछ ऑफिसर को लगी भी, उनके तलवार जो मारे ना तो एक पुलिस को भी लगी उसमें से तलवार, तलवार भी थे उनके पास। जब हमारे भी हमने भी उनका मुकाबला किए पत्थरबाजी वगैरह किए तो उनको पुलिस लोगों ने फिर थोड़ा बंद करके रखे। जी, यहाँ पर ख्वातीनों का कहना है कि उनके पास हथियार भी थे और वो पूरे मुनज्जम एक मंसूबे के तहत वहाँ पर आए थे और उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के वो ऐलानात भी कर रहे थे और वो हमले भी करते जा रहे थे। और यहाँ पर कई सारी ख्वातीन हैं, उन्होंने उनका मुकाबला भी करने की कोशिश की है। और क्या देखा आपने बताया? हमें वहाँ थे ना, जब वो घर से भाग के दरगाह पे गए, उधर पत्थरबाजी हो रही थी, मस्जिद पे मार रहे थे, फिर वहाँ जाके हमें देखते तो कब्रिस्तान में ठहर के सब पत्थर इधर से उधर उधर से इधर फेंक रहे थे, वो सब इससे लगा उससे लगा, पुलिस को भी लगा उसमें। फिर आगे क्या आया था बोलने का, जान बचाने के वास्ते दरगाह के पास सब औरतें भी भागे, बच्चे भी भागे, सब एक ही पूरा एक दिन पूरा दरगाह पे थे, मैं रात दिन पूरा दरगाह पे थे। हाँ, हमारे बच्चे लोग को भी मार भीर लगे लाए, किसको सर पे, हाथ पे, छाती पे मार लगे, डर बड़ा दिल में, क्या कभी भी आ जाएंगे वो लोग, हजार आते 2000 ऐसा सिर्फ बोलने लगे सब लोग। जी, अभी कई सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं, टीवी वाले भी आ रहे हैं, न्यूज वाले आपसे जो है। अच्छा, नहीं अभी अजीत दादा पवार आए थे, अभी अधिकारी भी नहीं आ रहे, ना ही कोई तुम्हारे ये मीडिया वाले भी नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे। आज 3 किलोमीटर हम चलते खुद यहाँ तक आए, सुबह 10 बजे घर से निकले, हम यहाँ खुद चलते आए विशालगढ़ से। ये तमाम खवातीन विशालगढ़ से चलते हुए यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर कोई ना तो कोई सियासी लीडर जा रहा है या तो कोई मीडिया वाला वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की उनकी शिकायत है। छोड़ने वाले ने हम ऐसा बोलते हैं, दूध नहीं, कुछ नहीं, राशन नहीं, डॉक्टर नहीं, दूध नहीं, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट बोलते ऊपर किसी को छोड़ेंगे ना 146 कलम लागू किए उन्होंने। अच्छा, मतलब ऊपर आपको अनाज खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा? जाने के लिए हमारे जो गाड़ियां थे ना उन्होंने सब गाड़ियां फोड़ के कड़े के अंदर फेंक दी, डोंगर के अंदर गाड़ियां फोड़ फाड़ के पूरे फेंक दिया, हमारे को कुछ नहीं आया हमारे पास अभी इतवार, दूध भी नहीं, कुछ नहीं, राशन भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उधर ना दूध के गाड़ी को ऊपर भेजते है ना कुछ रेशन, हमारे सब घर हमारे चालू है, जो हमारी तकलीफ है ना, हमारा दर्द कोई नहीं समझ रहा है, हमको सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सभी लोग हमारे लिए भी आओ, जैसा तुम इधर आके सबको देख के जा रहे हैं, हम लोग के लिए भी तुम उधर आके। कलेक्टर ने ऑर्डर किए लिए है कि 2 महीने में तुम्हारे रहते घर भी तोड़ेंगे, कमर्शियल अभी तोड़ रहे हैं और कमर्शियल में भी रहने वाले लोग है, जो आपने भी बच्चों के साथ में इसके साथ तो कमर्शियल में से भी निकाल कर वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और कलेक्टर ने ऑर्डर निकाला 30 सितंबर तक अगर तुम रहते घर खाली नहीं करते तो वो भी तोड़ा जाएगा। अच्छा, आप कितने सालों से है वहाँ पर? हम लोग हमारे बहुत पीढ़ी गए, 7-8 साल से तो हमारी पीढ़ी है उधर, दरगाह है, दरगाह की खिदमत के वास्ते तभी से हमारे बुजुर्ग लोग हटे है उधर से। ये जो 5वीं पीढ़ी है, पहले इधर लाइट नहीं, रास्ते नहीं थे, जब से हम लोग हमारे दादा भी इधर रहते, इधर केमरूनवाड़ी को तक चलते जाते थे, लाइट भी कुछ नहीं थी जब से विशालगढ़ रहते हम लोग। और हमारा अतिक्रमण का जो मसला बोल रहे हैं, वो अतिक्रमण का एक्चुअली मसला नहीं है, सभी अतिक्रमण में नहीं जाता, वो अतिक्रमण का उन्होंने डाइवर्ट किए ले, मतलब जो गावटन था, जो गट क्रमांक था उसको चेंज किए ले, जो हमारे कई जमाने से घरे हुआ उन्होंने अतिक्रमण में डाले, और वो बोल रहे कि वो अतिक्रमण है, ये खाली करो, वो अतिक्रमण है, वो खाली करो, एक्चुअली जो नहीं है अतिक्रमण में वो भी अतिक्रमण में डाले ले उन्होंने। जांच करना, हमारी गुजारिश है सरकार से। किला है, जिधर उसका महल है
वहाँ पे अतिक्रम है वो हटाने वाले नहीं, वो बोलते हैं उनको क्रेडिट कार्ड दे दिए उन्होंने, उन लोग को उन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड, जिस किले के पास जितने घर है ना उन लोग के पास प्रॉपर्टी कार्ड है, और हम लोग किले से कहीं दूर है, और हम लोग को अतिक्रमण बोला और हमारे पास कुछ नहीं, प्रॉपर्टी कार्ड भी नहीं, मतलब सिर्फ मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया, जुल्म हो रहा है सिर्फ मुसलमान देखने हो रहा है। सबसे पहला हम लोग हमारे नीचे से अतिक्रम निकालते आए और मीडिया वाले को दिखाया कि उन्होंने ऊपर के दो घर निकाले, वो हिंदू के थे, उन्होंने ऐसा दिखाया नाम के लिए दो निकाले, पर सबसे पहला हमारे घर से मतलब नीचे साइड से निकालते आए उधर से निकाल। अच्छा आप तमाम लोगों का क्या मुतालबा है हुकूमत से, आप क्या चाहते हैं? हम लोग जो रहते घर आए उन्होंने रखने की कोशिश करे, हम लोग हमारे रहते घर है ना वो रखे, वो रहते घर घर में से निकाल के वो भी तोड़ रहे, तो वो नहीं करे, बच्चे लग के हम लोग बारिश में किधर जाएंगे, जाएंगे बारिश के बाद भी जाने का अगर बोलेंगे तो हमारे को सहारा किधर है? सहारा नहीं कि तो कमर्शियल भी हमारा उधर था और रहने का भी सहारा उधर है, तो सरकार ने हमारा कोई सोच नहीं, खाली सिर्फ खाली करो बोल रहे, कोई सोच नहीं रहा। हम लोग इधर जाके जगह भी ले सकते हैं ना, हम घर बन सकते, इतनी हमारी परिस्थिति गंभीर है अभी। यहाँ तमाम खवातीन ये अपनी गुजारिश कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि जो मकानात वहाँ पहले से तामीर शुदा है उन्हें हाथ न लगाए, अगर वो गिरा देंगे तो उनके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से गुजारा करेंगे, क्योंकि वहाँ ऊपर अनाज खाना पीना के लिए तक उन्हें तरसाया जा रहा है, यहाँ तक कि दूध बच्चों को दूध तक हासिल नहीं हो रहा। इन्हीं तमाम मुतालबात के साथ वो नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार से उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई आपकी, हो गई तो उनके सामने आपने अपने तमाम मुतालबात रखे, तो उन्होंने क्या कहा आपको? बोला है कि मैं कुछ पर जुल्म होने नहीं दूंगा, जो कमर्शियल है तुम्हारे वो जो सरकार वो गिरा रहे, लेकिन रेसिडेंसी का विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, वो थोड़ा नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत एक मंसूबे के तहत आपको निशाना बना रही है, ऐसा लगता है? मंसूबे के तहत हमारे को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम ही टारगेट है उनका सर, बाकी कोई नहीं, मुस्लिम के लिए टारगेट बन गए, इधर भी सब मुसलमान है, इनको ही टारगेट किया वो लोगों ने, हम लोग ऊपर मुसलमान है, दंगल जो घड़ी ना अभी वो भी पूरा मुस्लिम का ये बस्ती थी और हमारी भी ऊपर पूरी मुसलमान की बस्ती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गाजापुर में हनीफा प्रभुलकर, फैजल अयूब प्रभुलकर यहाँ पर मौजूद हैं, इनके घर पर भी फिरका परस्तों की जानिब से हमला किया गया, उस दिन मंजर क्या था, किस तरह से वो आए? बड़ा हमला हुआ, जब हमला हुआ तो हम घर में थे, घर में से देखते तो वो मुर्गे का जाला पहला निकल पाड़े, उसके बाद दुकान पड़े, उसके बाद फ्रिज उठा के नया फ्रिज उधर फेंके, फिर हम लोग ये खिड़कियाँ आते इसमें से देखते देखते आगे का दरवाजा झाके, फिर हमें उस रूम में वो उधर से गाड़ी निकाले, ये गाड़ी निकाले वो भी देखे, वो कुराड़ से फोड़ते थे तो वो भी देखे, हम लोग देखने के बाद भी बोले हमारी जान कैसी बचती, इसलिए हम लोग अंदर गए, अंदर जाके फिर वो दरवाजे भी हमला करे तो छोटे छोटे मेरे मासूम दो बच्चे थे, एक अब्बा मेरे जही बाते और मैं दो जने औरत मर्द और एक भाव, इतने आदमी हमें गर्मी थे, कैसा बचाने की जान कैसी बचती, जान कैसी बचती, वो जान को बचाने के लिए हम लोग अल्लाह से ये करते थे और उसके बाद दुआ मांगते थे, अल्लाह दो बच्चे हैं हमारे को बचा, छोटे मासूम बच्चे की साइकिल तक पतरे पो, गैस पतरे पो, हम कैसा बचाने के, इसके लिए हम लोग क्या करें, पुलिस गाड़ी एक यहाँ रस्ते पर रुकी, उसके बाद में हम लोग जंगल काटे तो मेरी बहू आधा घंटा काम गायब हुई थी, दो बच्चे लेके फिर उसको ढूंढ के निकाले, इधर से कौन आएगा उधर से कौन आएगा, इसमें मेरे एक जई बाबा आते, वो बच्चे बहू को ढूंढ के लाने के बाद एक जंगल से नीचे गए, उधर नाला मिला, उधर छुप के इतने बारिश में हम लोग बैठे, उसके बारिश में बैठने के बाद में हमें 7 बजे घर में आए, सब तोड़ फोड़ करे, ये देखो इधर पूरा तोड़े लहाया, अंदर जाके देखो हमारा कुछ भी हमारे पास रखे नहीं, कुछ भी हमारे पास रखे नहीं, हमारा चावल दाना सब भी। इन्होंने जो अटैक किया था वो ऐसा कर किया था कि इधर के लोगों को नाम बता कर मार रहे थे, ये अयूब प्रभुलकर इसका घर है, ये सिराज प्रभुलकर का घर है, ये अयूब प्रभुलकर की गाड़ी है, वो जहीर महलदार की गाड़ी है, वो इमाम प्रभुलकर का घर है, वो रेशमा का घर है,
ये नाम बता बता कर लोगों को मार रहे थे। जैसा कि ये जो नारायण वेल्लार है जिसने भेजा था इधर इनको, ये पूरा हादसा कराने के लिए वो खुद आया हुआ था, उसका बेटा आया हुआ था, उसने इधर भेजा था। और उन दोनों ने ये घर में मतलब चुन चुन कर, अभी ये गाड़ी लॉकअप में थी, लॉकअप में से बाहर निकाल कर उसको कुछ लोग उल्टा बॉल उल्टा कर बॉल जैसा पटक रहे। ये इतनी बड़ी हादसा हुआ इधर, फिर इधर मतलब घर में जाकर हार मतलब इंसान के पास कुल्हाड़ी फावड़ा तलवार ये लेकर जब आप आएंगे, मतलब ये कितनी, और एक एक दो दो इंसान नहीं थे, कम से कम एक एक घर पर पांच पांच छह छह सौ इंसान थे, एक एक घर पर पांच पांच छह छह सौ इंसान। आप सोच सकते हैं गाड़ी उठाकर पटकना कितना मुश्किल है, मैं खुद डीजल मैकेनिक हूँ, कितना मुश्किल है गाड़ी उठाकर पटकना। एक इंजन नहीं उठा सकता इंसान, एक फ्लाईव्हील नहीं उठा सकता, वो गाड़ी उठाकर पटकना कितना मुश्किल है। पूरी की पूरी गाड़ी उधर से अंदर से वो तोड़कर लॉकअप तोड़कर बाहर निकाल कर पूरी गाड़ी उल्टा पटक दिए। फिर ये उसके बाद घर का दरवाजा, घर थोड़ा सा प्रतिकार किया अंदर से, आवाज वगैरह लगाए थोड़ा सा, फिर पीछे जाते थे, फिर आकर दरवाजे पर कुल्हाड़ी फावड़ा ये जो 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 तलवार वगैरह थी सब चीजें मारकर घर का पहला दरवाजा फोड़ दिए। फिर हमारे अम्मी अब्बा इसके अंदर घर के अंदर चले गए, घर के अंदर तो कुरान शरीफ का ये रूम है, कुरान शरीफ के रूम में उन्होंने जो मतलब बाहर के जो काचेस वगैरह उसको फोड़े। फिर कुरान कुछ मतलब मस्जिद में भी आप देख सकते पूरे कुरान शरीफ वगैरह, कुरान शरीफ वगैरह मतलब नीचे जमीन पर फेंक कर उसकी बेहुरमती की है। ये साइड में कांच फोड़ दी, फिर यहाँ से वो इतने पर रुके नहीं, फिर पीछे साइड से गए, पीछे साइड में लोखंड का दरवाजा है, लोखंड के दरवाजे को उन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि लोखंड के दरवाजा टूट नहीं पाया। उसके बाद जैसे ही हम हमारे घर वालों को लगा, मैं इस वक्त यहाँ नहीं था, घर वालों को लगा कि ये लोग गए, तो घर वालों ने पीछे जंगल में, ये लोग आगे आए वहां से पीछे से, तो फिर जंगल में दौड़ ली, फिर जंगल में पीछे की ओर ऐसी जगह जाकर छुपे जहां से हम दिख ना सके, ऐसे ऐसा किया उन्होंने। उसके बाद पूरे बारिश, एक कुदरत का ये लाख लाख शुक्र था कि वो दिन बारिश थी, और जो ये हवामान हमारे इधर का ऐसा है कि धुका था, धुका के वजह से लोग एक दूसरे को नजर नहीं आ रहे थे, वरना अगर नजर आते तो ये कितनों को नजर आते थे, फिर ये काट डालते थे लोग। अभी इतना जो बड़ा हादसा हुआ है, ये मतलब पुलिस प्रशासन ने भी बहुत मदद की, लेकिन उनके पास जो संख्या बल थी वो अपूरी थी। पुलिस पर भी हमला किया गया, इस तरह की बात है सामने, तकरीबन 7 पुलिस वालों, पुलिस पर भी कम से कम 13 पुलिस जख्मी है इसमें। पुलिस प्रशासन ने बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद मतलब उनको इतनी जो लोक संख्या थी, कम से कम दो मॉब थे, दो मॉब में कम से कम 7 से 8 हजार लोग थे, 7 से 8 हजार लोग को 300-400 पुलिस, आखिर वो भी इंसान है। नहीं, लेकिन चलो विशालगढ़, इस मुहिम को 14 दिन 15 दिन पहले ही ऐलान किया गया था, तो यहाँ पर इंतजामिया सख्त क्यों नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि ये हमेशा होता था, हमेशा होता था, हर इतवार को ये जो नारायण बेल्लार है अपने लोगों को कुछ ना कुछ उकसा कर लाता था, मुहिम वाले लोग भी आते थे हर इतवार को, मतलब ये इधर आते थे लोग, और हर इतवार को मतलब कुछ ना कुछ संगठने की, हर इतवार को संगठने की मुहिम रहती थी, हर इतवार को संगठने की मुहिम रहने के बाद ये टाइम ऐसा हुआ, किसी को लगा नहीं पुलिस लोग को भी कि हर टाइम जैसा जाएंगे उधर, उनका जो कार्यक्रम रहता है वो पूरा करेंगे, जो विशालगढ़ मुक्ति संग्राम के लिए जो उनकी आवाज है उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे, ये पुलिसों का भी कहना था। मस्जिद को प्रोटेक्शन दिया हुआ था उन्होंने 4-5 पुलिस का, लेकिन असल जरूरत कम से कम 15-20 पुलिस की थी, क्योंकि ऊपर जो हल्ला हुआ उस टाइम सुबह में, इसलिए वो लोग ऊपर गए थोड़े पुलिस यहाँ से, फिर उसी के साथ जो मॉब आया नीचे निकलकर ऊपर जो हल्ला होने के बाद, वो सीधा पहले मस्जिद तोड़ी, उसके बाद लोगों के घर तोड़े, लोगों के घर में से किसी के घर में से सुन्ना चोरी किया, किसी के दुकान चोरी किए, यहाँ तक कि जो मुर्गियां बिकाने लोगों ने रखी हुई वो भी चोरी की। आप हुकूमत से जितना भी चोरी का मामला हुआ है, चोरी की जो रकम है या जेवरात की रकम है, तो आपने मुतालबा किया है, क्योंकि अजीत दादा पवार भी आए थे? नहीं, मुतालबा किया अभी उन्होंने जो पूरा है उसका पंचनामा किया है, जो जो चीजें कही हुई है उसका पंचनामा किया है, अच्छे से तुम्हारे को उसका मुआवजा मिलेगा। ये भी अभी कल ही हमारे को 50-50 हजार मतलब 25-25 जो घर चलाने के लिए 25, घर की दागजुजी करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए 25, ऐसा जो 41 या 57 ऐसे घर थे उनको दिया गया है। अभी भी अजीत दादा से ये मालूम है कि अभी सामने आए हुए थे आज, तो उन्होंने बताया कि कल या परसों में मैं वहां से पुणे से मुंबई वो कागज पत्र लेकर जाकर वो मतलब सब तुम्हारा मुआवजा है मिला दूंगा। नंबर कैसा सेवन एट सिक्स नाइन सिक्स।
गाड़ी हमारे के साथ ज्यादातर घूमती रहती थी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इमरान भाई। इमरान भाई, उस दिन आप भी शायद मौजूद थे। हाँ, मैं भी तो था। किस तरह से फिरका परस्त ने यहाँ पर हमला किया, क्योंकि आपकी गाड़ी को पूरी तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर पहुंचाया हुआ है, आप बताइए क्या हुआ? संडे 14 जुलाई को कम से कम 2,500 का मॉब एकदम आ गया, और जैसे पत्थर हाथ में, कुराड़ तलवार जो भी लेके पूरा सब गाड़ियां तोड़ डाले, शेड तोड़ डाले, घर में घुसे। हम लोग जब जाके पूरा बाथरूम के अंदर का लॉक लगा के उधर से अंदर बैठे थे छुपके। उनके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें, चाकू वीकू सब तब पूरी गाड़ी तेज नेज करके आंग में के दागिने खींचे वाइफ के हमारे, वो बेहोश होके अंदर पड़े, उसको लेके गए। फिर जो भी चीज़ें थे खाने पीने की पूरे ला के बाहर फेंक के लेके गए पूरे, ये जिसमें के ऐसा। वो दो ग्रुप में आए, पहला ग्रुप 12 बजे तो 2,500 का था, वो चला गया ऊपर। फिर उसके बाद में और 2,500 का, कम से कम 6,000-7,000 का वो था मॉब। हाँ, सब ये पूना बिना साइड के लोग ज्यादातर थे उसमें, मतलब यहाँ को मकामी लोग नहीं थे, वो मकामी नहीं थे, बाहर के सब पूना बिना ज्यादातर उधर के लोग थे, जो करने वाले लोकल भी थे इधर से कोल्हापुर जिले में, इतने नहीं पर ज्यादातर वो साइड के थे, और पूरे मतलब तैयारी से आए थे ऐसा हो। संडे के दिन हम बहुत डरे हुए थे, हम दोनों थे घर में, हमारा गाड़ी तोड़ के हमारे घर पे वार किया, मेरे पूरे दागिने चुरा के लेके गए, हमारे पर मार हार किए उन्होंने, हमारे दोनों को, हम दोनों बाथरूम में छपके बैठे थे, हमारे पर इतने घर के आजू बाजू तलवार लेके खड़े हुए थे, इनका नाम लेके उन्होंने मारेंगे करके ऐसा बोल रहे थे। मतलब वो उसमें मकानी लोग भी शरीक थे, क्योंकि आपको जानते थे वो? हाँ, जानते थे हम लोग, उनको मालूम था कि ये घर किसका है, ये गाड़ी किसकी है, उनको सब मालूम था। अच्छा, कितने का आपका ये जेवरात छीन कर लेकर गए, अंदाजा कुछ कुछ नुकसान काफी हुआ है? हमारा कम से कम 10 लाख के आसपास नुकसान हुआ है, 5 से 10 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। गाड़ी का कम से कम 2-3 लाख का नुकसान हुआ, जेवरात का 3-4 लाख का, मकान का 1-2 लाख का, ऐसे कम से 10 लाख के ऊपर नुकसान हमारा खुद का हुआ है। आज तकरीबन पूरा दिन हमने यहाँ गुजारने की कोशिश की, और यहाँ पर लोगों के दर्द को, तकलीफों को समझने की कोशिश की, किस तरह का एक माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। तेज बारिश है, तूफानी हवाएं हैं, और शबनम की लहरों को यहाँ पर देखा जाता है। अभी वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हुकूमत से कोई उन्हें इमदाद दे, या तो फिर जो मुजरिमों ने यहाँ पर हमला किया हुआ है उन्हें, उन पर सख्त कार्रवाई हो, सजा दी जाए। क्या UAPA के तहत उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? पुलिस महकमा आज भी यहाँ पर बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में गाज़ापुर में देखने को मिल रहे, लेकिन लोग घरों में बैठे हुए हैं, और उसी का तस्करा चल रहा है हर तरफ कि अगर फिर से दोबारा इस तरह की वारदात पेश आती है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, उनके तहफ्फुज की जिम्मेदारी क्या हुकूमत लेगी? क्योंकि नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी जहाँ जहाँ उन घरों को तोड़ा गया, घरों पर हमले किए गए, नुकसानात किया, उसका जायज़ा उन्होंने लिया, और उन्हें मुआवजा देने का भी उन्होंने वादा किया हुआ है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन डर खौफ के साये में यहाँ के मुसलमान देखे जा रहे हैं, और ख़ासकर विशालगढ़ के ऊपर कोई वहाँ पर जाने को तैयार नहीं। वहाँ पर भी कई सारे फैमिलीज हैं, कई सारे ख़ानदान हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुँच पा रहा। यहाँ तक मीडिया भी वहाँ पर नहीं आ रही, इस तरह का उन्होंने इस तरह की बात उन्होंने बताई। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, और जो जुल्म जबर किया गया है जालिमों को सज़ा मिले। इत्तेहाद में देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।